দুর্গা গোপ, আলেখ নাথ, দিলীপ গোপ, জগদীশ পিঙ্গুয়া, রাহুল গোপ আর জগদীশ নাথ ये स्पॉन्स किए हैं। पहले गोल के लिए 200 रुपया, दूसरे गोल के लिए 100 रुपया और तीसरे गोल के लिए 51 रुपये का इनाम रखा गया है जामा कैरकन टीम के लिए। देखना पड़ेगा कौन खिलाड़ी ऐसा सौभाग्य को प्राप्त करते हैं क्योंकि पहला गोल पाकर 200 रुपये का इनाम जीतेंगे, दूसरे गोल पाकर 100 रुपये का इनाम जीतेंगे और तीसरे गोल दागने के बाद 51 रुपया जीतेंगे। राकेश को देना चाहते थे लेकिन डिफेंडर मौजूद है। इस खेल के बाद 40+ का पहला खेल होगी, ध्यान देंगे 40+ के खिलाड़ी ध्यान देंगे। इस खेल के बाद 40+ का पहला खेल होगी जिसमें लिखिया ऑल टाइम स्टार वाला डीजे जगन्नाथपुर के बीच होगी। दोनों टीम से कप्तान से अनुरोध है जैसे ही ये खेल ओपन होगी आपको मैदान में प्रवेश करना है। लिखिए ऑल टाइम स्टार वाला डीजे जगन्नाथपुर। दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है जैसे ही ये खेल ओपन होगी फाइनल खेल के लिए प्रवेश करना है। उस फाइनल खेल के बाद महिला वर्ग का फाइनल खेल होगी। महिला खिलाड़ी तैयार रहेंगे फाइनल खेलने के लिए। एएससी पिंगुआ ग्रुप बड़ा मुंडी बना दो मधुबन एफ सी महिला वर्ग का फाइनल खेल के लिए तैयार रहेंगे। एएससी ग्रुप बड़ा मुंडी बना दो मधुबन एफ सी दोनों महिला टीम तैयार रहेगी। एएससी पिंगुआ ग्रुप बड़ा मुंडी बना दो मधुबन एफ सी महिला टीम तैयार रहेगी फाइनल खेल खेलने के लिए। जीत हासिल की है मैं यहाँ से नाम पढ़ूंगा एबी वर्दास बीबीसी हम पर है एबी वर्दास बीबीसी रेफरी महोदय एबी वर्दास बीबीसी हम पर निश्चित रूप से यहाँ पर गर्म हो चुके हैं तमाम खिलाड़ी और ये राजू दो खिलाड़ी को बीट करने के बाद तीसरा खिलाड़ी को बीट करना चाहा लेकिन लेफ्ट शूटर का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट एंगल के लिए
और लतंगे के बल्ले गेंद लेने की कैसे आते हो दाना बॉक्सिंग में तेरे को गेंद को और लेफ्ट सुपर का इस्तेमाल करते हो लेफ्ट एक्सचेंज के लिए और ये लेफ्ट एक्सचेंज सुपर की के साथ सेंटर फॉरवर्ड के लिए लेकिन पत्थर का गेंद आ चुकी है दोनों और गेंद चल गई थी जब आप देखो तुम्हारा दोस्त के बाद
आगे को लेने के प्रयास में फिर से अग्रवाल के लिए तैयारी करता हुआ
दो गोल।